मतलब बारिश के समय पूरी तरह से कट जाता है, कट जाता है या बहुत घूमना पड़ता है, पूरी कट ही जाता है। जैसा अभी अब देख रहे थे बच्चे लोग भी उस पार में स्कूल है, तो ये कम से कम साल में 2-3 महीने के लिए बहुत ही दिक्कत, 2-3 महीने की बहुत दिक्कत है, 3-4 महीना बहुत दिक्कत है। तो हम लोग आज पहली बार आए हैं यहाँ पे, इससे पहले हम जब डीपीआर में जब बन रहा था तो हमको भी आना था लेकिन हम आ नहीं पाए थे, लेकिन ये हम पहली बार आए हैं और एकदम सही जगह पे हमको लगता है कि पुलिया बन रहा है। और हमको लगता है इसका अमाउंट इसीलिए ज़्यादा है कि हमको लगता है गार्ड वाल भी बनेगा इसका, जैसे कि जमीन की कटाई दिख रहा है ना, तो कटाई को देखने से लगता है कि गार्ड वाल का लंबाई रहेगा, इसीलिए ये रकम तो बड़ा है और ये 5.3 करोड़ का है। विधायक जी, आप जहाँ जाते हैं हम लोग जब ये देखेंगे तो आप कोई बात मैंने छुपाते नहीं, जनप्रतिनिधि जैसा नहीं लगता है कि आप बात करते हैं। आप हमेशा इंद्रुआ में भी बोले कि हम पहली बार ही आ रहे हैं, यहाँ भी पहली बार, नहीं आके भी आप काम कराते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब समस्या रहता है ना तो ग्रामीणों, मेरे जो व्यक्तिगत मेरा मानना है, हम ग्रामीणों की बात को ज़्यादा विश्वास करते हैं और ग्रामीण जो समस्या लेके आता है उस पर ही हम अपना काम चालू करते हैं। हम जाके देखेंगे गांव वाला लोग झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ के जो मुखिया है उसका परिवार के लोग बहुत बार हम लोग से मिला है, अब बहुत बार हम लोग पिछले बार ही ये बनने का था तो किसी कारण बस थोड़ा सा डिले हुआ है, इसीलिए गांव का लोग से सच्चाई तो गांव के लोगों के द्वारा ही मिलता है। विभाग को अगर हम सौंपेंगे तो विभाग का तो टोल मटोल कर सकता है, लेकिन गाँव का लोग सही बात को रखता है। जब विधायक के पास कोई बात को रखता है तो हमें तो विश्वास करना होगा और उसी विश्वास की उम्मीद में आज पहली बार हम आ रहे हैं। हम बोलने में ज़रा भी हिचक नहीं है क्योंकि मेरा काल रहा 2005 के से लेकर 2009 तक में भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हम, और अभी 2019 से लेकर आज 2024 हो गया, 5 साल बीत गया, लगभग 10 साल हो गए पहली बार आ रहे हैं। और पहली बार तब आ रहे हैं जब यहाँ पुलिया का भूमि करा के आ रहे हैं, और तो खुशी भी लग रही है आज का। खुशी तो हमसे ज्यादा खुशी हमको तो लगता है कि वो जो भीड़ आपको दिख रहा है जी, और कितना भीड़ देखने से लगता है कि कितना महत्वपूर्ण पुलिया है।